दोस्तों यदि आपका आधार कार्ड का ओरिजिनल कॉपी आपके पास नहीं है, कहीं खो गया हो, फट गया हो या इनरोलमेंट के बाद आपको मिला ही नहीं, या आप एक या एक से ज्यादा ओरिजिनल कॉपी मंगवाना चाहते हैं, तो आप आधार कार्ड का ऑनलाइन रीप्रिंट ऑर्डर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ₹50 का रीप्रिंटिंग चार्जेस पे करना होगा, जो कि आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना होगा। इसके लिए आप अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI वैलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑर्डर प्लेस करने के 5 दिन के अंदर आधार कार्ड की ओरिजिनल कॉपी आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर बाय पोस्ट भेज दिया जाता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे आप आधार कार्ड का रीप्रिंट के लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लेना है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट URL है uidia.gov.in। तो इसके थ्रू आप आधार कार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर जा सकते हैं। तो अब ये मेरा आधार कार्ड का होम पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको माय आधार वाले मेन्यू को क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ नीचे आना है और ये ऑर्डर आधार रीप्रिंट वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर भर लेना है। यदि आप चाहें तो यहाँ अपना VID भी भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी कोड को एंटर कर लेना है। ये सिक्योरिटी कोड एंटर करने के बाद यदि आपके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं है तो यहाँ पर चेक इन कर लेना है। यहाँ पर एक दूसरा ऑप्शन भी मिलता है, यदि आपके पास TOTP है तो यहाँ पर आप चेक इन कर सकते हैं। यदि आपका मोबाइल नंबर आपके आधार के साथ रजिस्टर्ड है तो आप डायरेक्टली सेंड OTP पर क्लिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अपना नॉन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यूज करने वाला हूँ, तो इसे चेक इन कर लेता हूँ। इसके बाद सेंड OTP पर क्लिक कर देता हूँ। इसको क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट वाला OTP भेज दिया जाएगा। आधार कार्ड से रिलेटेड दूसरी जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। हमारे चैनल में बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, जैसे कि ऑनलाइन आधार कार्ड कैसे डाउनलोड किया जाता है, यदि आपको आधार कार्ड में अपना एड्रेस चेंज करना है, यदि आपको आपके आधार कार्ड में आपका कौन सा मोबाइल नंबर और ईमेल ID रजिस्टर्ड है ये पता नहीं है तो कैसे आप इसे पता कर सकते हैं, OTP के बगैर भी आप कैसे अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, और ढेर सारे आधार कार्ड से रिलेटेड जानकारियां हमारे चैनल पर उपलब्ध है। दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उन सारे वीडियोस का लिंक आपको मिल जाएगा, यहां से भी इन वीडियोस को आप देख पाएंगे। OTP आने के बाद यहां एंटर OTP वाले बॉक्स पर अपना OTP को एंटर कर लेना है और इधर टर्म एंड कंडीशंस को अग्री करने के लिए यहां चेक इन कर लेना है। चेक इन करने के बाद सबमिट कर देना है। इसको सबमिट करते ही ये अगला पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको आधार कार्ड का सैंपल इमेज कॉपी डिस्प्ले होगा। अब यहाँ पर आधार कार्ड के ओरिजिनल रीप्रिंट ऑर्डर करने के लिए ₹50 का पेमेंट करना होगा, तो इसके लिए आपको मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर पेमेंट का गेटवे डिस्प्ले होगा। यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं कि आप किस मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI। मैं यहां पर अपना क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो कार्ड के डिटेल्स जल्दी से फुलफिल कर लेता हूं। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाली बेल को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे चैनल पर आने वाले अगले महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको भी मिल पाए। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि इस योजना के महत्वपूर्ण जानकारी उनको भी मिल पाए। यदि आपका कोई पर्सनल क्वेरी है तो हमें कमेंट करें, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं। सारे रिक्वायर्ड डिटेल को फुलफिल करने के बाद पे नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, आपको एक एक्नॉलेजमेंट रिसीव मिलेगी, जिसमें आपके ऑर्डर से रिलेटेड सारी जानकारियां होंगी। यहां पर एक्नॉलेजमेंट स्लिप को डाउनलोड करने का भी ऑप्शन मिलता है। आप फर्दर रेफरेंस के लिए इसे डाउनलोड करके रख सकते हैं या फिर इसका एक प्रिंट भी निकाल कर रख सकते हैं। तो इस तरह आप आधार का ओरिजिनल रीप्रिंट के लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ऑर्डर प्लेस होने के बाद 5 दिन के अंदर आपके आधार में जो आपका एड्रेस अवेलेबल है, उस एड्रेस पर बाय पोस्ट आपके आधार कार्ड को भेज दिया जाएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए शुक्रिया। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।